दोस्तों बहुत ही मस्त वीडियो बनने वाला है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये जो है तोशी कंपनी का सेंसर माउंटेड पिलर कॉक, जो ये सेंसर बॉडी है, और आपको पिलर कॉक दिखाता हूँ कितना मस्त है। इसमें आपको डबल फायदा देखने मिलेगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने वाला है, बने रहिए। ये पिलर कॉक तोशी कंपनी का है, तोशी ऑटोमेशन सॉल्यूशन। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको बोले हैं जो मतलब अगर आप कभी भी नल सफाई करते हो तो एसिड कोई भी डिटर्जेंट देकर सफाई ना करें, नॉर्मली पानी से सफाई करिए, ठीक है। अब ये पिलर कॉक में सेंसर वर्क बहुत ही कमाल है, यहाँ से सेंसर वर्क करता है। और ये है, ये सिर्फ कोल्ड वाटर का है, अगर आप हॉट वाटर का भी लेना चाहते हो, कोल्ड एंड हॉट वाटर का सेंसर पिलर कॉक, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और ये कुछ सामान है जो सेंसर बॉक्स के साथ लगने वाला है। और ये रहा सेंसर बॉक्स तोशी कंपनी का, इसमें आपको डबल फायदा मिलेगा। अभी मैं फिटिंग करूंगा और साथ में दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा क्या मस्त है। यहाँ पर आप देख लीजिए, वाटर इन मतलब एंगल कॉक से आएगा और यहाँ से पानी निकलेगा, आपका पिलर कॉक में जाके कनेक्ट होएगा। ओके, तो चलिए हम फिटिंग करते हैं। अब पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, और कोई ख़रीदना चाहते हैं ऐसा टैप्स तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको डायरेक्टली कंपनी से मिलेगा, वहाँ से जाके आप ख़रीद सकते हो। ऑनलाइन में जाइए, डिस्क्रिप्शन से ख़रीद लीजिए। तो अब मैं पिलर कॉक लगा चुका हूँ, ठीक है। अब हम इसे टाइट कर लेते हैं और बॉक्स लगाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, दो पाइप के साथ इस वायसर को लगाना पड़ेगा आपको, और इस नट को भी जो है आपको दोनों वायर के साथ, एक पाइप एक वायर के साथ आपको इस तरीके से लगाना है, ठीक है, एक कैंसिल नहीं करना है। उसके बाद इसे आपको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। अब मैं पिलर कॉक इंस्टॉल कर दिया हूँ मजबूती से। अब चलते हैं सेंसर बॉक्स की तरफ, यहाँ पर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये स्क्रू मैं खोल कर निकाल दिया इससे। अब यहाँ खोल के आपको डबल सिस्टम दिखाऊंगा। पहले जो है इसमें हम बैटरी लगाकर सेंसर चालू करेंगे, अब बैटरी निकाल के भी सेंसर चालू होगा, वो कैसे चलिए देखते हैं। इसमें आपको चार बैटरी लग जाएगा, आपको देख के लग रहा है ऐसा शायद इसमें दो बैटरी लगी है, लेकिन नहीं, पीछे साइड भी आपको दो बैटरी लगेगा, टोटल चार बैटरी लगेगा। अब इसमें एक फायदा क्या है, आप अगर चाहे तो पहली बार बैटरी से यूज कर सकते हो और अपना आइडिया लगा सकते हो जो कितना दिन बैटरी से चलता है सेंसर टेप। बट इसमें आप जो है करंट की लाइन से इलेक्ट्रिक से भी कर सकते हो। अब मैं स्क्रू लगा नहीं रहा हूँ, ऐसे ही रखा हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए, ये कुछ टूल्स है, ये जो है आपका आउटलेट पॉइंट में कनेक्शन होगा वाइसर देकर। ओके, तो हम इसे यहाँ पर लगा लेते हैं झटपट, और जल्द जल्द पानी चालू करते हैं, दो सिस्टम से आपको दिखाते हैं। यहाँ बैटरी निकाल दूंगा, फिर दिखाऊंगा करंट की लाइन में कनेक्शन करके लाइफ प्रूफ के साथ। और ये जो है आउटलेट का पिलर कॉक का कनेक्शन पाइप, इसमें एक छोटा सा वाइसर है, ध्यान दीजिएगा, ये वाइसर को आप निकालिए के फेंक मत दीजिएगा, ये आपका आउटलेट का कनेक्शन में लगता है, नहीं तो पानी लीकेज कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये मेरा टाइट कर चुका हूँ। अब उसके बाद जो है ये एक एक्स्ट्रा कनेक्शन पाइप आपको खरीद के लाना पड़ेगा, ये आपका वाटर इन में कनेक्शन होगा सेंसर बोर्ड का, और दूसरा पॉइंट आपका जाके एंगल कॉक में कनेक्शन हो जाएगा। अब इसे हम कर लेते हैं झटपट बिल्कुल टाइट, और उसके बाद आपको केबल कनेक्शन का एक छोटा सा अच्छा जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप कभी भी पहली बार लगाते हो ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको केबल कनेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट में लाइन आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये केबल कनेक्टर में एक लाइन बना हुआ है, देख लीजिए छोटा सा, यहाँ पर भी लाइन है और आपका यहाँ पर भी देख लीजिए एक लाइन है। तो इस दोनों लाइन को इस तरीके से टच करना है, और उसके बाद इस नट को टाइट कर देना है। ओके, नहीं तो फिर पिन खराब हो जाएगा आड़ा टेढ़ा से करेंगे तो यहाँ पर मैं हैंगिंग करके रखा हूँ और प्लग अभी लगाया नहीं हूँ। अब हम बेसिन का आउटलेट लगा लेते हैं और उसके बाद पानी चालू करते हैं। बट यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मैं अभी हैंगिंग नहीं किया हूँ, यहाँ चार ड्रिल करने का सिस्टम दिया है, मतलब आप कहीं पर दीवार में ड्रिल कर सकते हो। अब चलिए पानी चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं। एक चीज़ जानकर रखिएगा, अगर सेंसर आप उल्टा लगा देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो इंस्टाग्राम में पोस्ट करने वाला हुआ आप देख लीजिएगा वहाँ पर। वाह, पानी का फ्लो तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर देख लीजिए आप, मतलब पानी का फ्लो जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और बहुत क्विक लग रहा है। एक दो बार ट्राई करते हैं, ठीक है। और यहाँ जितना देर तक ऐसा लग रहा हूँ, ये देख लीजिए, मतलब जितना मैं तुरंत हाथ लाया तुरंत चालू हो जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक में तो हो रहा है, सॉरी बैटरी में हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक में मैं चेक करूँगा फिलहाल, अभी करंट का पॉइंट दूंगा और चेक करूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम बैटरी निकाल लेते हैं झटपट। यहाँ जो है बैटरी निकाल चुका हूँ, अब करंट का पॉइंट में प्लगिंग करता हूँ और उसके बाद चलिए देखते हैं पानी चालू होता है कि नहीं। यहाँ ऑटोमेटिकली थोड़ा सा चालू हो गया क्योंकि करंट का लाइन लगाया और बैटरी निकाल चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मतलब करंट का लाइन में भी बहुत ही मस्त और अच्छा पानी सर्विस दे रहा है। यहाँ पर अभी प्लग पॉइंट है आप देख रहे हो, और बैटरी निकाल दिया, जिसे आप यहाँ देख सकते हो, इसमें बैटरी नहीं है। ओके, और आप देखिए यहाँ मैं पानी चालू कर रहा हूँ, और ये इतना अच्छा सर्विस है, मतलब आपको क्या बोलूँ, हाथ डालो तुरंत बंद हो रहा है, ठीक है, और मतलब तुरंत ले जा रहा हूँ, तुरंत चालू, कोई सर्विस बिल्कुल बिल्कुल फास्ट। देखिए
मतलब जितना देर आप हाथ धोगे ना ऐसा, उतना देर तक आपका चलता रहेगा ऐसा, इसमें मतलब रुकेगा नहीं, जब तक हाथ रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। तो पानी में ज्यादा वेस्टेज नहीं करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाकी दूसरे तक शेयर करिए, क्योंकि ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर हॉट एंड कोल्ड का भी आप लेना चाहते हो तो उसका भी आपको मिल जाएगा इसमें। और सर जी, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि प्लम्बिंग का ऐसा बहुत वीडियो आता रहेगा। और मैं इस टैप का इसलिए तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले काफी सारा टैप्स और सेंसर यूरिनल लगा चुका हूँ, जिसका सर्विस बहुत ही स्लो है, मतलब काम वर्किंग, और इसका बहुत ही फास्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी समझ में आया। फिर मैं यही कुछ करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे के साथ।